हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के दूसरे सवाल की। हमारा सवाल है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिए और जांच करके बताइए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो बड़ा सिंपल है, हमें करना क्या है, जैसा कि हमने पहले सवाल में पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दिया था और शेषफल और भागफल ज्ञात किया था। इसमें हमें उसी मेथड को अपनाना है और देखना है कि अगर शेषफल जीरो आ रहा है क्या। अगर शेषफल जीरो आता है तो गुणनखंड होगा, और शेषफल अगर जीरो नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। वेरी सिंपल है, आइए करके हम देखते हैं इस सवाल को। हमारा पहला सवाल है आंसर नंबर एक। हमारा पहला बहुपद दिया है टी स्क्वायर माइनस तीन, इससे हमको भाग करना है (t)(2t)^4 प्लस (3t)^3 माइनस (2t)^2 - (9t) और -12। ये हमारा दूसरा बहुपद हो गया। तो जैसा कि हमने पहले सवाल में किया था, इसमें भी हम वही करते हैं। यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर (t)^4 है। (t)^4 में कितना अंतर है, (t)^4 में 2 का अंतर है, हमने वो लिख लिया। फिर यहाँ पर 1t है, यहाँ पर 2t है, गुणा करना है, 2 × 9 = 2। तो यहाँ पर अगर हम 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 × 9 = 2 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2t². अब इस 2t² को इससे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2t² टी स्क्वायर से गुणा करने पर 2t⁴। फिर यहां पर माइनस है, यहां पर हमने प्लस लिया था, प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6 टी स्क्वायर। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, क्यूब है, तो हम क्यूब के नीचे नहीं रखेंगे, इसे सेम घात वाले के नीचे ही रखेंगे। तो 2 × 3 = 6t². अब ध्यान करने वाली बात क्या है, हमें लाइन खींचनी है, चिन्हों को उलट देना है, तो ये हमारा कट जाएगा। यहां पर हमारे पास 3t³, क्योंकि बड़ी घात वाला है इसलिए हम पहले उतार लेंगे। फिर यहां पर देखिए माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो हमारे पास प्लस का 4t² मिल जाएगा। अब यहां पर हमारे पास 3t³ है, यहां पर हमारे पास t² है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 × 9 = 3। हमें केवल पहले वाले अंक को समान लाने की कोशिश करनी है, बाकी और हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो कोई मसला नहीं। फिर यहां पर t² है, यहां पर t³ है, तो t का कितना अंतर है, 1 घात का अंतर है, तो हमने वो टी ले ली। तो 3 × 9 = 3 और t² की टी से t³, माइनस प्लस माइनस, ठीक। अब यहां पर देखिए 3 है, वहां पर 3t है, तो माइनस प्लस माइनस 3t × 9t। अब हमने क्या किया, लाइन खींची, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, हमारे पास प्लस का 4t² बचा, और वहां पर हमारे पास बचा 12। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास 4 है, यहां पर 1 है, तो जाहिर सी बात है 4 × 9 = 4। यहां प्लस का था तो इसीलिए प्लस का लिया गया। यहां पर t² है, तो अब हमें कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। 4 और t² की जब हमने गुणा की तो हो गया हमारा 4t² माइनस प्लस माइनस 12। हमने चिन्ह चेंज किया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया और ये कट गया, और हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया, यानी कि शेष फल आ गया 0। तो हम
लिख देंगे शेषफल जीरो है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणन खंड है। हमारा सवाल हो जाता है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।